बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो तमाम मुसलमान बहन भाइयों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। बकरा ईद जैसा कि सुबह सऊदी अरब में है, पाकिस्तान वालों को एडवांस ईद मुबारक हो। हिंदुस्तान, बांग्लादेश और जितने भी ममालिक हैं जहाँ पे परसों ईद है उनको एडवांस में ईद मुबारक, और कल सऊदी अरब में ईद है। मेरे तमाम सऊदी अरब के दोस्तों अहबाब को ईद की खुशियाँ मुबारक हो। इस वक्त मैं हज प्रोजेक्ट मक्का मुकरमा में खड़ा हूँ जहाँ पे हज है, और कल हाजी लोग इधर मेरे पीछे शैतान है इसको कनकरियाँ मारने आएंगे, और अल्लाह पाक हाजियों का हज कबूल करे। मैं इस वक्त ड्यूटी में हूँ और जो है ना ड्यूटी पे जो मेरे फ़राइज़ हैं उनको सर अंजाम दे रहा हूँ मैं। तो मैंने एक छोटा सा मैसेज देना था आप लोगों को कि मेरे दोस्तों कुर्बानी करनी है, अल्लाह पाक आपकी कुर्बानियों को खूबसूरत जानवरों को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जो सुन्नत हम पूरी करेंगे, सुन्नत इब्राहिम है, उसका आगाज़ इसी शहर इसी जगह से हुआ था जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। तो बस मैसेज यही है कि गरीब लोगों का ख्याल रखिएगा, जो आपके इर्द गिर्द हैं जो कुर्बानी नहीं कर रहे उनको गोश्त में अपने शामिल कीजिएगा। और इसके अलावा जब आप अल्लाह के लिए कुर्बानी कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आपने जब बकरे को या दुम्बे को अपने जानवर को अल्लाह के लिए तकबीर फेरनी है, इसके साथ साथ आपने अपने अंदर की जो गलाजत है, अपने अंदर के जो बुरे ख्यालात हैं, जो नफ़रतें हैं एक दूसरे के लिए, जो हसद है, बुगज़ है, उसको भी साथ साथ छुरी फेर देनी है। और जिनसे नाराज़गी हैं उनके घर जाना है, गोश्त लेके उनको गले लगाना है। वक्त का पता कोई नहीं, दुनिया में क्या मारा मार पड़ी हुई है, आज कोई है कल शायद ना हो, इसलिए कोई पछतावा ना रह जाए। जिनसे नाराज़ हैं उनको जो है ना गले लगा लें, सुलह कर लें। अल्लाह पाक आपकी इन दोनों कुर्बानियों को कबूल और मंजूर फरमाए, जो जानवर आप कुर्बान करें और जो किसी की नाराज़गी को आप कुर्बान करके उसको गले लगा लें, अल्लाह पाक इन दोनों को कबूल और मंजूर फरमाए। उम्मीद करता हूँ मेरा मैसेज आपको अच्छा लगा होगा, आप मेरे मैसेज पे अमल करेंगे। अल्लाह मुसलमानों का हज भी कबूल करे और अल्लाह मुसलमानों की कुर्बानियों को भी कबूल करे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अपनी इन खुशियों में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नए मैसेज के साथ, हज की नई अपडेट के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। भी अमान अल्लाह।